वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमेय। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वैशाली। इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस के बारे में। हम जानेंगे कि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस है क्या और कैसे हम अपने लैपटॉप में किसी भी ऐप को डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस टॉपिक को विंडो 11 के हिसाब से कवर कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस क्या और कौन सी होती है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे कि एक ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन लोगों को उनकी योग्यताओं के आधार पर काम दिए जाते हैं। जैसे कोई पर्सन है जो गार्ड का काम अच्छे से कर सकता है तो उसको गार्ड की जॉब पे रखा जाता है। कोई पर्सन जो अकाउंट्स में अच्छा है तो उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जॉब दी जाती है। ऐसे ही हमारे डिफ़ॉल्ट ऐप्स होते हैं जिनको हम अपनी सहूलियत और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। वैसे तो आजकल हमारे पास हर एक काम करने के लिए बहुत से ऐप्स हैं। फॉर द एग्जांपल, अगर हम अपने लैपटॉप में वीडियो या ऑडियो प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास VLC, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विनम एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से ऐप्स हैं। बट हम उसी ऐप को डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं जिसको यूज़ करने में हम कंफर्टेबल फील करें और जो हम इजीली यूज़ कर पाएँ। जो सबसे ज़्यादा सूटेड ऐप हो हमारे लिए, हम उसी को ही डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेट करने का फ़ायदा ये है कि आप कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक ऐप को सेट कर सकते हैं जो उसके रिलेटेड हो। आपको बार बार वो ऐप सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द एग्जांपल, अगर मैंने अपने लैपटॉप में ऑडियो और वीडियो प्ले के लिए VLC को सेट किया है तो मैं जब भी अपनी कोई भी ऑडियो या वीडियो फाइल प्ले करूँगी तो मुझे बार बार VLC को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरी जो फाइल है वो VLC में ओपन हो जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट कैसे सेट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेट करने वाली सेटिंग हमारे कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में होती है। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए हम तीन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में आपका कर्सर डेस्कटॉप पर होगा और डेस्कटॉप पर अगर आपके पास कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट है तो आप उस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे तो आप कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे। दूसरे तरीके में आप विंडोज़ की का यूज़ करके स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर आप सर्च करेंगे कंट्रोल CONTROL और वहाँ आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा और वहाँ पर आप एंटर कर देंगे। तीसरे तरीके में आप विंडोज़ R कमांड का यूज़ करके रन डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर आप लिखेंगे CONTROL कंट्रोल और एंटर प्रेस कर देंगे। तो चलिए
अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम इन तीन तरीकों का यूज करके कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। तो मेरा कर्सर अभी डेस्कटॉप पर है और मेरे डेस्कटॉप पर कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट क्रिएट है, तो मैं उसको ढूंढती हूँ और मैं एंटर प्रेस करती हूँ। सी रिसाइकल्ड सी कंट्रोल पैनल 4 of 15। तो देखिए, मैंने सी प्रेस किया और मुझे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिला, तो यहाँ मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। All control panel items, auto play link change default settings for CDs, DVDs and devices so that you can automatically play music, view pictures, install software and play games. तो मैं control panel में आ चुकी हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब मैं Alt F4 करके दूसरे तरीके से दोबारा से control panel में आऊँगी। Desktop list, control panel 4 of 15. अब दूसरे तरीके में मैं विंडोज की का यूज़ करके स्टार्ट मेन्यू में जाऊंगी और वहां पर सर्च करूंगी कंट्रोल CONTROL। स्टार्ट विंडो सर्च बॉक्स एडिट ब्लैंक। मैं लिखती हूँ CO कंट्रोल पैनल ऐप प्रेस राइट टू स्विच प्रीव्यू 1 of 1 लेवल 1। तो देखिए, मैंने बस CO ही लिखा तो कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मुझे मिल चुका है। यहां पर मैं एंटर प्रेस कर रही हूं। All desktop, all control panel items, auto play link change default settings for CDs, DVDs and devices so that you can automatically play music, view pictures, install software and play games. तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब मैं वापस से Alt F4 करके डेस्कटॉप पर जाऊंगी। Desktop list, control panel 4 of 15. अब मैं Windows R का यूज करके रन डायलॉग बॉक्स में जाऊंगी और वहां पर लिखूंगी कंट्रोल। Run dialog, type the name of a program, folder, document or internet resource and Windows will open it for you. Open, combo box collapsed, edit alt plus O selected C, selection removed, O, N, T, R, O, L. तब देखिए, मैंने लिखा control और मैं यहाँ enter कर रही हूँ। Text desk, all control panel items, auto play link change default settings for CDs, DVDs and devices so that you can automatically play music, view pictures, install software and play games. तो ये हो गए हमारे तीन तरीके कि कैसे हम कंट्रोल पैनल में आ सकते हैं। तो अब हम फाइनली सीखेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ऐप सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ऐप सेट करने के लिए वैसे तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीके के बारे में अच्छे से बताऊंगी और तरीकों का जिक्र मैं प्रैक्टिकल बताते टाइम करूंगी। तो पहले तरीके में, जिस तरीके को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूं, उसमें आपका कर्सर कंट्रोल पैनल में होना ज़रूरी है। आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वहां पर आप टैब की से नेविगेट करते हुए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक ढूंढेंगे। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक ऑप्शन ढूंढने के लिए आप डी लेटर, डी फॉर डेली, डी लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक मिल जाए, वहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी ऑप्शन के आगे अगर लिंक लिखा हो तो वहाँ पर आपको एंटर ही प्रेस करना है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक पर एंटर करने के बाद आप टैब की का यूज़ करके सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक ऑप्शन ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखें कि आप यहाँ लेटर से नेविगेशन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टैब की का ही यूज़ करना है। तो जब आपको ये ऑप्शन मिल जाए, सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक, यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप वहाँ पर ऑप्शन ढूंढेंगे सेट डिफ़ॉल्ट्स फॉर एप्लीकेशन लिस्ट। इस ऑप्शन को ढूंढने के लिए आप टैब की का यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपको ये ऑप्शन मिल जाए, सेट डिफ़ॉल्ट्स फॉर योर एप्लीकेशन लिस्ट, वहाँ पर आप अप एरो
और डाउन एरो से नेविगेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके कंप्यूटर के सारे ऐप्स मिल जाएंगे। इनमें से आप जिसको भी डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप अप एरो और डाउन एरो से ही नेविगेशन इसीलिए करेंगे क्योंकि आपके कंप्यूटर के जितने भी ऐप्स हैं यहाँ पर वर्टिकली डिस्प्ले होते हैं। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर सर्च करने का भी ऑप्शन है। आप किसी भी ऐप को सर्च करके डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करते टाइम बताऊंगी। आप अपने कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को कैसे डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। तो मानिए कि मुझे गूगल क्रोम को अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करना है, तो मैं अपना कर्सर सेट डिफ़ॉल्ट फॉर एप्लीकेशन लिस्ट पर ले जाऊंगी और वहां पर जाने के बाद मैं डाउन एरो से नेविगेट करूंगी और ऑप्शन ढूंढूंगी गूगल क्रोम बटन। जब मुझे गूगल क्रोम बटन मिल जाएगा तो वहां पर मैं स्पेस प्रेस कर दूंगी। स्पेस प्रेस करने के बाद मुझे वहां पर एक बटन विजिबल होगा जिस पर लिखा होगा मेक गूगल क्रोम योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बटन। अगर मैं गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाना चाहती हूँ तो वहाँ पर मैं स्पेस कर दूँगी। स्पेस करने के बाद गूगल क्रोम मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट हो जाएगा। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी ऐप को अपने कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल में जाने के क्या तरीके हैं ये तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो चलिए हम कंट्रोल पैनल में चलते हैं। See control panel 4 of 15. All control panel items, autoplay link, change default settings for CDs, DVDs and devices so that you can automatically play music, view pictures, install software and play games. कंट्रोल पैनल में मैं आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन ढूँढना है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक में जाने के तरीके भी मैंने आपको दो बताए थे। पहले तरीके में आप टैब की का यूज़ करके डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में जा सकते हैं। दूसरे तरीके में आप डी लेटर का यूज़ करके डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको टैब की से हम कैसे डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में जाएंगे ये दिखाऊंगी। Credential Manager Link Manager Windows Credentials Devices and Printers Link View and Manage Devices Print Fonts Link Add Change and Manage Fonts on your computer Mail Microsoft Outlook Link Microsoft Outlook Profiles Power Options Link Conserve Energy or Maximize Performance by Choosing how your computer manages power। इन सभी ऑप्शन के बारे में हम किसी और ट्यूटोरियल में बात करेंगे। Remote app and desktop connections, link manager and storage spaces, link help protect your files from drive failure. Troubleshooting link, troubleshoot and fix common computer problems. Windows tools link, configure administrative settings for your computer. Backup and restore, Windows 7 link, recover copies of your files backed up in Windows 7. आप याद रखें कि मैं अभी tab key से navigation कर रही हूँ. Date and time link, set the date, time and time zone for your computer. Ease of access center link, make your computer easier to use. Indexing options link, change how Windows indexes to search faster. Mouse link, customize your mouse settings such as the button configuration, double click speed, mouse pointers and motion speed. Programs and features link, uninstall or change programs on your computer. Security and maintenance link, review recent messages and resolve problems with your computer. Sync center link, sync files between your computer and network folders. User accounts link, change user account settings and passwords for people who share this computer. Work folders link, access your work files anywhere, anytime. BitLocker Drive Encryption Link, protect your PC using BitLocker Drive Encryption. Default Programs Link, choose which programs you want Windows to use for activities like web browsing, editing photos, sending email and playing music. तो मुझे Default Program का option मिल चुका है, यहाँ पर मैं Enter press कर रही हूँ. Control Panel Home Link. तो ये तो हो गया एक तरीका कि हम कैसे Default Program में आ सकते हैं. तो चलिए
अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। Desktop list control panel 415. मैं control panel को बंद करके दोबारा से desktop पर आ गई हूँ और मैं दोबारा control panel में जाऊँगी और वहाँ पर D press करूँगी और default program link ढूँढूँगी। C. Google C control panel 415. All control panel items autoplay link change default settings for CDs, DVDs and devices so that you can automatically play music, view pictures, install software and play games. तो मैं कंट्रोल पैनल में आ चुकी हूँ, यहाँ मैं डी प्रेस करूँगी। डी डेट एंड टाइम लिंक सेट द डेट टाइम एंड टाइम ज़ोन फॉर योर कंप्यूटर। डी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स लिंक चूज़ व्हिच प्रोग्राम्स यू वांट विंडोज़ टू यूज़ फॉर एक्टिविटीज़ लाइक वेब ब्राउज़िंग, एडिटिंग फोटोज़, सेंडिंग ईमेल एंड प्लेइंग म्यूज़िक। तो मैंने डी प्रेस किया तो मुझे डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स मिल चुका है, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। कंट्रोल पैनल होम लिंक। तो सेटिंग्स ओपन होकर मेरे सामने आ गई है और यहाँ पर मैं टैब की से नेविगेशन करूँगी और ऑप्शन ढूँढूँगी सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक। लेकिन यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि आप सिर्फ और सिर्फ टैब की से ही नेविगेशन कर सकते हैं, आप यहाँ लेटर से नेविगेशन नहीं कर सकते। तो चलिए हम चलते हैं। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स लिंक, Help link. Set your default programs link. तो मुझे ऑप्शन मिल गया है सेट योर डिफॉल्ट प्रोग्राम लिंक, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगी। Settings. Settings window, search box, find the setting, edit link. तो फिर से मेरे सामने कुछ और सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं और यहाँ पर मैं टैब की से ऑप्शन ढूंढूंगी सेट डिफॉल्ट फॉर एप्लीकेशन। इसके लिए भी आप लेटर नेविगेशन नहीं कर सकते हैं, आप टैब से ही जा पाएंगे। Level 1 apps 5 of 11. Apps button 1 of 2. Set a default for a file type or link type grouping. Enter a file type or link type edit blank. Set defaults for applications grouping. Search apps edit blank. तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप सर्च करके भी किसी भी ऐप को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो यही वो ऑप्शन है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। आप कैसे किसी ऐप को सर्च करके डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी ऐप को कैसे एक लिस्ट से सेलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। Set defaults for applications list, access button 1 of 67. तो सेट डिफॉल्ट्स फॉर एप्लीकेशन लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है और यहाँ पर मैं डाउन एरो और अप एरो से नेविगेशन करूँगी, यहाँ पर भी मैं लेटर नेविगेशन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैं उस ऐप को ढूँढूँगी जिसको मैं डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहती हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे किसी एक ऐप को डिफ़ॉल्ट सेट करके दिखाती हूँ। तो मैं गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट सेट करूँगी। इसके लिए मैं डाउन एरो से अपना कर्सर गूगल क्रोम पर ले जाऊँगी। तो मैं डाउन एरो का यूज़ करके गूगल क्रोम पर जाती हूँ। Alarms and clock button 2 of 67, app installer button 3 of 67, calculator button 4 of 67, calendar button 5 of 67, camera button 6 of 67. तो मैं डाउन एरो से आगे बढ़ रही हूँ और अगर मुझे किसी प्रीवियस ऐप पर जाना है तो मैं अप एरो का यूज करूंगी। Cortana button 7 of 67, email and calendar accounts button 8 of 67, excel button 9 of 67, eye control button 10 of 67, feedback hub button 11 of 67, file explorer button 12 of 67, films and tv button 13 of 67, get help button 14 of 67, get started button 15 of 67, google chrome button 16 of 67. तो मुझे google chrome button मिल चुका है, तो यहाँ पर मैं space press करूंगी। Space, google chrome, make google chrome your default browser grouping, make google chrome your default browser button. तो यहाँ पर मुझे show हो रहा है make google chrome your default browser button। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको default set कर दूं तो यहाँ पर मैं space press कर दूंगी। Spare your default browser was set. तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया कि your default browser was set.
इसका मतलब ये कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम सेट हो चुका है। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई गूगल क्रोम हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट हुआ है। इसके लिए मैं कोई वेबसाइट को ओपन करूँगी। तो पहले मैं किसी वेबसाइट को ओपन करूँ, उससे पहले मैं इन सेटिंग्स को क्लोज़ कर देती हूँ। सेटिंग्स को क्लोज़ करने के लिए मैं Alt F4 का यूज़ करूँगी। Default programs. Set your default programs link. Desktop list. Control panel 4 of 16. तो मेरी जो सेटिंग्स हैं वो क्लोज हो चुकी हैं। अब मैं गूगल ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि वो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में ओपन होता है या नहीं। Run dialog. Type the name of a program. W control. www.google.com. W desktop list. Control panel for untitled Google Chrome. Search landmark. Search. तो गूगल ओपन हो गया है। Link अब मैं insert T से टाइटल चेक करती हूँ। Google Chrome. तो इसने बता दिया कि Google Google Chrome में ही ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऐप है वो डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि हम सर्च करके कैसे किसी ऐप को डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। तो उसके लिए भी आपको पहले कंट्रोल पैनल में जाना है। Run dialog. Type the name of a program. CONTROL. Desktop list. Op Studio 9. All control panel items. Then यहाँ पर आपको default program link पर जाना है। D. Date and time link. Set the date, time and time zone for your computer. आप कैसे default program link पर जाएंगे? इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। D. Default programs link. Choose which programs you want Windows to use for activities like web. Control panel home link. Then वहाँ पर आपको एंटर करने के बाद आपको टैब से सेट डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिंक पर एंटर करना है। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स लिंक, हेल्प लिंक, सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स लिंक, सेटिंग्स, सेटिंग्स विंडो। वहाँ पर एंटर करने के बाद आपको टैब से सेट डिफ़ॉल्ट फॉर एप्लीकेशन ऑप्शन ढूंढना है। सेट डिफ़ॉल्ट फॉर एप्लीकेशन लिस्ट से पहले सेट डिफ़ॉल्ट फॉर एप्लीकेशन सर्च आएगा। Apps 5 of 11 level 1. Apps button 1 of 2. Set a default for a file type or link type grouping. Enter a file type or link type edit blank. Set defaults for applications grouping. Search apps edit blank. तो देखिए, यहाँ सर्च करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर अगर आप किसी भी ऐप को डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं और शॉर्टकट वे से आप उसको ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च करके उस ऐप को ढूंढ सकते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करूँ। तो अब मैं वही सर्च कर रही हूँ। 23 apps found, 6 apps found, 6 apps found, 6 apps found, 6 apps found. तो मैंने माइक्रो लिखा तो उसके पास 6 app suggestions हैं। मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन से apps हैं। इसके लिए मैं एक बार टैब प्रेस करूँगी। Set defaults for applications list, Microsoft Edge button 1 of 6. तो देखिए, ये जो 6 app थे ये हमें दिखा रहा है और इसको हम अप एरो और डाउन एरो से देख सकते हैं। Microsoft Family Features button 2 of 6, Microsoft News button 3 of 6, Microsoft Store button 4 of 6, Microsoft Teams button 5 of 6, Microsoft To Do button 6 of 6. तो ये जो 6 app थे ये उनके नाम हैं। तो हमारा app Microsoft Edge है तो हम उस पर जाएंगे। Microsoft Teams button 5 of 6, Microsoft Store button 4 of 6, Microsoft News button 3 of 6. यहाँ पर भी मैं navigation up arrow और down arrow से ही कर रही हूँ। Microsoft Family Features button 2 of 6, Microsoft Edge button 1 of 6. Microsoft Edge मुझे मिला और यहाँ पर मैं space press करूँगी। Space, Microsoft Edge, make Microsoft Edge your default browser grouping, make Microsoft Edge your default browser button. तो देखिए, फिर वही ऑप्शन आ गया कि मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहती हूँ या नहीं। तो अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैं इस बटन पर स्पेस कर दूँगी। Your default browser was set. तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो सेट हो चुका है। अब मैं Alt F4 कर रही हूँ और दोबारा से किसी वेबसाइट को ओपन करके देखती हूँ। Default programs, set your desktop list, Op Studio 9 of 16. Run dialog. Type the name of a program. www.google.com. Desktop list. Op Studio 9 of 16.
Ops 27. Google and one more. Search landmark. Search combo box has auto completed. Link mail link. तो Google को मैंने open किया था, open हो चुका है. अब मैं यहाँ insert T press करूँगी. Google and one more page profile one Microsoft Edge. तो देखिए, ये जो tab है, वो Microsoft Edge में ही open हुआ है. तो मैं अभी इसको close करती हूँ. Ops 27 point desktop list Ops Studio 9 of 16. तो मैंने आपको ये कहा था कि इसके अलावा भी हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ऐप सेट कर सकते हैं. लेकिन उन सभी ऑप्शंस का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको बताया. तो मैं आपको फिर भी थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ कि कैसे आप उसको देख सकते हैं, कैसे आप वहाँ से भी अपने कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ऐप सेट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम कंट्रोल पैनल में चलते हैं. See control panel 4 of 16. All control panel items, auto play link change default settings for CDs, DVDs and devices so that you can automatically play music, view pictures, install software and play games. कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको डिफॉल्ट प्रोग्राम लिंक पर जाना है जहां हम पहले गए थे. D date and time link set the date, time and D default programs link choose which programs you want window. यहां पर आप एंटर प्रेस करेंगे. Control panel home link. देन यहां पर आप टैब से नेविगेट करेंगे. Programs and features link. Help link. Set your default programs link. Your default program, इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके थे. Associate a file type or protocol with a program link. Associate a file type or protocol. इसमें भी सेम वही ऑप्शन है डिफॉल्ट ऐप सेट करने का. मैं आपको दिखा देती हूँ. हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे. Settings. Settings window. Apps 5. Apps button 1 of 2. Set a default for a file type or link type. Set defaults for applications grouping. Set defaults for applications list. Access button 1 of 67. तो देखिए, जैसा तरीका हमने सीखा था, वैसा सेम तरीका इस ऑप्शन में भी है. इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है. हम उसको भी देख लेते हैं. Default programs. Associate a file type or protocol with a program link. तो इस ऑप्शन की बात हम कर चुके हैं. यहाँ मैं टैब प्रेस कर रही हूँ. Change auto play settings link. Set program access and computer defaults link. तो set program access and computer defaults. ये ऑप्शन भी मुझे टैब से मिला है. तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगी. Settings. Apps 5 of 11 level 1. Apps button 1 of 2. Set a default for a file type or link. Set defaults for applications group. Set defaults for applications list. Access button 1 of 67. तो देखिए, ये भी सेम उसी की तरह ही है जैसे हमने सीखा. तो मैं इससे बाहर जाती हूँ. Default programs, set program access and computer defaults link. तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये आपको डिफॉल्ट प्रोग्राम लिंक में ही मिलेंगे. Desktop list, control panel 4 of 16. एक लास्ट तरीका और है, उसमें भी बिल्कुल आपको सेम यही प्रोसेस करना है जो मैंने आज आपको सिखाया. बट उसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे. स्टार्ट विंडो, सर्च विंडो, सर्च बॉक्स एडिट ब्लैंक. स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए मैंने विंडोज की का यूज किया है. आप ध्यान रखें, जब भी आप स्टार्ट मेन्यू में जाना चाहें, आप विंडोज की प्रेस करके जा सकते हैं. जाने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स ओपन हुआ है और यहाँ पर मैं लिखूंगी डिफॉल्ट ऐप. D. Disk cleanup app. Pre. E. Device manager. Control panel. F. Defragment and optimize. Draw. A. Default apps. System settings. Press right to switch. Preview 1 of 1 level 1. मतलब मैंने default आधा ही लिखा और मुझे default app मिल गया है. यहाँ पर मैं enter press कर रही हूँ. Settings. Settings window. Search bar. Apps. Apps button 1. Set a default for a file type or set defaults for applications grouping. Search apps edit blank. Set defaults for applications list. Access button 1 of 67. तो देखिए, सेम वही प्रोसेस है. यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन आ रहे हैं. तो मैं इसको क्लोज करती हूँ.
Desktop list, control panel 4 of 16. तो इस वीडियो में इतना ही। हम कंट्रोल पैनल के और सेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।